वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है हमारे। तो अभी जिनको आपने देखा, बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर ऑफ इंडिया, यानी कि अच्छे ब्लॉगरों में से एक इंडिया के। तो भाई ये इंडिया के एक फेमस ब्लॉगर हैं और ये व्लॉगिंग करते हैं डेली की। आप दिनचर्या दिखाते हैं कि आज ये खाना खा रहे हैं, आज ये यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। और मैं भी एक ब्लॉगर हूँ जो कि आप लोग को मैं भी अपनी डेली रूटीन्स, डेली लाइफस्टाइल दिखाती हूँ। और मैं अपने लखनऊ को भी एक्सप्लोर करती हूँ क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ और ये भाई साहब हल्द्वानी से हैं, उत्तराखंड से हैं। तो ये कहना है, इनका ये कहना है कि हल्द्वानी इनकी वजह से जाना गया। भाई ठीक है, आप ब्लॉगर हो, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ में मेरे जैसे पता नहीं कितने ब्लॉगर हैं और भी, है ना। और मैं भी एक्सप्लोर करती हूँ लखनऊ, जैसे कुछ भी है महोत्सव वगैरह लखनऊ में लगा था, अभी लगा है, कल था लास्ट डेट उसका, तो वो भी लगा था, तो मैं वहाँ भी गई। तो क्या हम लखनऊ को एक्सप्लोर कर रहे हैं? तो लखनऊ हमारी वजह से नहीं जाना जा रहा। अगर ऐसा कोई सोचे कि लखनऊ उसकी वजह से जाना जा रहा है, हल्द्वानी उसकी वजह से जाना जा रहा है, सौरभ जोशी की वजह से, तो नहीं, आप उसकी वजह से जाने जा रहे हो। हम इंडिया के हैं, हम इंडिया की वजह से जाने जा रहे हैं, हमारी वजह से इंडिया थोड़ी ना है। इंडिया तो पता नहीं कब से है और हम लोग क्या ही बोले, है कि नहीं। जितने साल उम्र नहीं होगी उससे साल पहले, अब भाई लखनऊ की ही बात कर लो, लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुर कहा जाता था, राम भगवान के काल से चला आ रहा है। तो भाई तब तो मतलब कह ही सकते हैं, क्या कहूँ, 4-5 हज़ार साल पहले के टाइम से। और आप मतलब क्या कह रहे हो कि हल्द्वानी आपकी वजह से जाना जा रहा है, ये कहना गलत होगा भाई आपका। क्योंकि देखिए, और सौरभ जोशी को मैं बता दूं कि 18.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं ऑन यूट्यूब और भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, टचवुड सभी लोग कमाएं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इनके वर्ड्स हैं उससे लोगों को प्रॉब्लम हुई और कई लोग गुस्से में इनका विरोध भी कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि इन भाई ने जो कहा, अब आप लोग बताइए कि इन्होंने सही कहा कि गलत, वो आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताइए। मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि हल्द्वानी ट्रेंड में आया इनकी वजह से, तो भाई ये गलत है। उत्तराखंड लोग पहले भी देखने जाते थे, वहाँ केदारनाथ, हरिद्वार, कितने सारी चीजें हैं उत्तराखंड में, बड़े बड़े मंदिर हैं, देवभूमि है, भाई लोग जाएंगे नहीं। आपके टाइम मतलब आज आप आए हो और आज आप कह रहे हो कि ट्रेंड में जा रहा है, जब ट्रेंड नाम की चीज नहीं थी, हल्द्वानी तब से था। तो मतलब आपको ये कहने का ही कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, ऐसे बात करो। आप तो बड़े हो और पढ़े लिखे हो, तो कहते नहीं पढ़े लिखे हैं हम, हमें बहुत ज्ञान है। और आप तो यूट्यूब पे काम कर रहे हो, पूरी दुनिया के बारे में देख रहे हो यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के बारे में आपको दिखा सकती है घर बैठे। आप कहीं भी जाना है, कोई भी मंदिर जाना है, हम सोच रहे हैं वो मंदिर कैसा दिखता होगा, हम YouTube पे सर्च करते हैं, तुरंत हमें मिल जाता है। तो आप ऐसी चीज़ बोलो जो सही लगे। तो मैं बोल दिया कि हल्द्वानी देहरादून इनकी वजह से जाना जाता है। इन्होंने ये बोल दिया कि हल्द्वानी और देहरादून उत्तराखंड इनकी वजह से ट्रेंड में आया। सच में क्या सच है ये बात? बहुत गलत बात बोल दी आपने, क्या कह रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हो क्या? कौन सा मजाक चल रहा है भाई? ये तो आप ही लोग बताइए कि ये इनके वर्ड सही हैं कि गलत, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं सही लगे। क्योंकि जब क्या ही बोलूँ, अब कुछ कहना इनके, मतलब ये इतने बड़े ब्लॉगर हैं, ये कहते हैं ना डाउन टू अर्थ लोग, क्या ये डाउन टू अर्थ है? कोई इनसे मिलने जाता है? ये मिलते भी नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो जिनसे मिलने जाओ ना तो बहुत प्यार से बैठाते हैं, बहुत बुलाते हैं, अपने घर में बैठाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो उत्तराखंड के हैं, एक बाबू भैया भी हैं, वो भी तो हैं उत्तराखंड के, उनके ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ यार, वो इतने अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। उनके उनसे कोई मिलता है तो बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, हाँ, और कोई उनके पास जाता है फ़ोटो वगैरह वीडियो तो अपने घर भी ले जाते हैं, तो इतने अच्छे हैं। और आपसे कोई मिलने जाता है उत्तराखंड हल्द्वानी तो आप मिलते ही नहीं हैं, आप इतने बड़े ब्लॉगर जो हैं और आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो भाई ये तो कोई बर्दाश्त। चीज़ें जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, हल्द्वानी भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक नगर है। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा एवं देहरादून के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक केंद्र है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
कुमाऊनी भाषा में इसे हलवेड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह हल्दू, हल्दू मतलब होता है कदम, प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब कदम तो आप लोग जानते ही हैं, तो उसको हल्दू बोलते हैं, तो हल्देड़ी, हल्देड़ी कुमाऊनी भाषा में इसे हल्देड़ी कहते हैं, हल्दवानी को, तो उसका मतलब होता है हल्दू, यानी कि प्रचुर मात्रा में कदम। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ की स्पेशलिटी है, कहते नहीं स्पेशलिटी है हमारे यहाँ की, तो वो चीज़ है कुमाऊनी की, कुमाऊं मंडल की। तो अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा कि सौरभ जोशी ने सही कहा कि गलत। मैंने सोचा कि मैं भी आप लोग को वीडियो के थ्रू बता दूं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब